सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दुनिया भर से लोग हर साल लाखों में इसके आकर्षण के लिए आते हैं। ऐतिहासिक स्थानों से लेकर प्राकृतिक स्थलों तक कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर सब कुछ पा सकता है। अभिलेखों के अनुसार आंध्र प्रदेश का इतिहास मौर्य वंश के काल का है, जब यह अशोक के शासनकाल में था। तब से यह देश में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। भारत के हर दूसरे राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश को भी कुछ चीज़ों के लिए पहचाना जाता है। क्या आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहोगे जो आंध्र प्रदेश को भारत में एक अद्वितीय राज्य बनाती है? यदि हाँ तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और आइए जानते हैं इस अद्वितीय राज्य के बारे में। नंबर वन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? यदि नहीं तो हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वैकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के खूबसूरत शहर मछलीपट्टनम में हुआ था। वह पहले व्यक्ति थे जो देश के लिए तिरंगा झंडा लेकर आए थे। नंबर टू, विश्व का सबसे बड़ा बरगद का पेड़। जी हाँ, आपने सही सुना। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित थिमम्मा मारीमानू को दुनिया में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ माना जाता है और इसे 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और आज यह अनंतपुर जिले में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और हर साल हजारों स्थानीय लोगों और अन्य पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। पेड़ के नीचे एक छोटा सा इच्छा पूर्ति मंदिर भी है, जो निसंतान दंपतियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। क्या आप इस अविश्वसनीय पर्यटन स्थल पर जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर थ्री, राष्ट्रपतियों का घर। आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जिसने सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रपति दिए हैं। नंबर वन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर टू, वड़ागिरी वेंकटगिरी। और नंबर थ्री, नीलम संजीव रेड्डी। ये तीनों आंध्र प्रदेश के ही थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नंबर फोर, दक्षिण भारत में बर्फबारी प्राप्त करने वाला स्थान। क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो बर्फबारी प्राप्त करता है? विशाखापट्टनम जिले में स्थित लंबा सिंगी 3200 फीट की ऊंचाई पर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो सर्दियों के मौसम में बर्फबारी प्राप्त करता है, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश के कश्मीर के रूप में भी जाना जाता है। नंबर फाइव, केवल हैंगिंग पिलर। क्या आपने कभी किसी लटकते हुए खंभे को देखा है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर में छत से लटकता हुआ एक पत्थर का खंभा है। आप इस खंभे के नीचे कपड़े का टुकड़ा या पेपर पास कराकर देख सकते हैं, इसलिए इसे मध्यकालीन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है। नंबर सिक्स, तिरुपति के लड्डू। यदि आप कभी तिरुपति गए होंगे और देश के दूसरे सबसे अमीर मंदिर वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा किया होगा तो आपने तिरुपति के लड्डू का स्वाद जरूर चखा होगा। यह लड्डू मंदिर के पुजारियों द्वारा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जो एक गुप्त नुस्खे से तैयार किया जाता है। तिरुपति के लड्डू दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। नंबर सेवन, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म निर्माण सुविधा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। केवल यही नहीं, इस राज्य के एक विपुल फिल्म निर्माता डॉक्टर राम नायडू के पास एक व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे अधिक फिल्मों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने 13 भाषाओं में लगभग 150 फिल्मों का निर्माण किया है। सो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको इनमें से सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्टेज बाबा। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।